ठगमारी है, ठगमारी ये प्राइवेट सेक्टरों को देश बेच चुके हैं। सभी लोग जाग जाओ, मीडिया वालों आप भी जाग जाओ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश में समझना पड़ेगा कि देश में 10 लाख का सूट पहनने वाला अपने को भिखारी बताता है और दूसरा मंत्री बैठता नितिन गडकरी और गडकरी कहता है इस कानून में कई कमी है। ये किसानों की जो सहमति है 70-80% की, यह हमको मंजूर नहीं है। वहाँ फसली खेती का अधिग्रहण पर रोक हमको मंजूर नहीं है। 5 साल में जमीन का अधिग्रहण रद्द करने की मांग हमको मंजूर नहीं है। पर्यावरण का नुकसान होता है पुनर्वास की गारंटी हमको मंजूर नहीं है। और खेती हर मजदूर को 5 लाख रुपए देने की गारंटी का प्रावधान हमको मंजूर नहीं है। इसलिए अध्यादेश लाए। ग्रामीण विकास मंत्री की हत्या कराने वाले और कोरोना काल में जब उद्योग बनते, व्यापार बनते, जहाज बनते, रेल बनते, सरकार लोहे के पीड़े में थी, तब हमारे देश के किसान अन्नदाता देश को बचा रहे थे। तुमने नोटबंदी की तो आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? और तुमने टैक्स पद्धति बदली की तो देश अमीर क्यों नहीं हुआ? और तुम एक काला कानून लाए हो तो हमारा किसान 4 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे जान और कुर्बानी क्यों दे रहा है? कहा जा रहा है, कई नेता ने कहा कि अगर किसान आंदोलन नहीं हटा तो हम दोबारा से दिल्ली में दंगे कराएंगे, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अरे दंगा कराना तो वो, अरे आपने जो हम बात हम कहना चाहते हैं, दंगे तो करवा, इनका नाम ही दंगा, सरकार का नाम ही दंगा है, दंगे के नाम से आई है। इनका जो है कि हिंदू, हम हिंदू उस चौराहे पे खड़ा रहे, मुसलमान उस चौराहे पे खड़ा रहे, सरदार उस चौराहे पे रहे, हम आपस में बताएंगे कि मुसलमान तुम्हें क्या कह रहा, तुम्हें हिंदू क्या कह रहा, तुम्हें सिख क्या कह रहा, आपस में मिलने नहीं देंगे, आपस में बैठने नहीं देंगे। ये तो इनकी नीति है सरकार में आने की। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ठगने का काम किया, इन पे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है और किसान क्यों नहीं विश्वास कर रहा है? एक मिनट, किसानों का विश्वास इसलिए टूट गया है इसके ऊपर कि एक ये लाए थे अभी फसली बीमे पर लाए थे। सभी लोग जानते हैं कि पहले सरकारी फसली बीमा हुआ था और उसका जो था -5 पॉइंट कटता था, अब इन्होंने 11% कर दिया फसली बीमा, और उसमें भी फसली बीमा किसान को तब मिलेगा जब पूरे जिले की फसल खराब होगी। ये बताओ कि तुम कार का बीमा कराते हो, क्या तुम्हें पूरे जिले दिल्ली की कारें टूटे तब बीमा मिलता? तो किसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कि बताओ, वो बीमा जो है किसान को 1 एकड़ खराब हो, 1 एकड़ में आग लगे तब भी मिलना चाहिए, 2 एकड़ में आग लगे तब भी मिलना चाहिए। वो किसान बस वो आगे तो दूर रखी है किसान, और उसमें आग ही रखी नहीं है, उसमें आग ही का रखा नहीं कि आग लग जाए कोई बात नहीं, अगर आग लगती तो हमें नहीं मिलता। तो ये बताओ वो, अच्छा वो 40,000 करोड़ रुपए हमने जब ITI में डाला तो उसमें 40,000 करोड़ रुपए का इन्होंने वो जो सरकारी फसल बीमा होता था वो प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया 40,000 करोड़ का, उसका क्या करा इन्होंने 20,000 रुपये मेरा गया उस फसली बीमे में, अब उसमें क्या हुआ 6,000 रुपये मुझे दे दिया, किस पे? सम्मान निधि के नाम पर। सम्मान निधि कहाँ से दी? वो दी है इन्होंने बैंक अपने सरकारी खजाने से, सरकारी खजाना खाली कर रहे हैं, और जो हमसे बीमे के नाम पे पैसा लिया वो प्राइवेट कंपनियों को पैसा पैदा बचाया। ये टोटल प्राइवेट हो चुका है मोदी, टोटल लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 100 साल में जितनी GDP ग्रोथ नहीं करेगी वो अगले साल 100% करेगी सर। 6 साल में इन्होंने 9% GDP जो थी 2014 में वो -24 पे ले आए। इनकी बातों में आप विश्वास करते हो? जो कहते थे पहला ही काम, पहली ही मीटिंग और सबसे पहला ही काम होगा मैं किसानों का ऋण माफ करूंगा, मैं किसानों की बात करूंगा। यूपी चुनाव के लिए भाई साहब की बात है ये 2000 यूपी में किसान 20 रुपए माफ हुआ, किसी का 25 रुपए माफ हुआ। अगर ये 20 रुपए माफ करने के बाद इन्होंने बड़ी बड़ी फ्लेक्सी लगाई, अगर ये उपलब्धि होती तो ये अध्यादेश में लाते, पहले ये बैनर बनाते, कम से कम 25,000 करोड़ के पूरे देश में बैनर लगते कि ये कानून ला रहे हैं हम किन के लिए, किसानों के लिए। अगर उपलब्धि होती, वो थी ठगमारी है, ठगमारी ये प्राइवेट सेक्टरों को देश बेच चुके हैं। सभी लोग जाग जाओ, मीडिया वालों आप भी जाग जाओ, इस देश को बचाना आपका काम है। अगर मीडिया चौथा स्तंभ अगर नहीं जागा तो हमारा देश अंबानी अडानी का गुलाम हो जाएगा, वो फिर राष्ट्रपति की चुनने की जरूरत नहीं है, फिर वो दिल्ली मुंबई से बैठ कर जो अगर वो बात नहीं थी जो भाई साहब ने कहा आपको, वेयर हाउस पहले बन चुके हैं उनके, कानून बाद में बना है, तो ये फिर तुम्हारे कानून यहाँ से राज्यसभा और लोकसभा से पास नहीं होंगे, ये मुंबई से पास हुआ। अच्छा, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं लगातार किसानों के ऊपर, ये कहा जा रहा है कि किसान जो है उनके पास बहुत पैसा है, वो लगातार यहाँ आके आंदोलन में बैठे। पैसा नहीं है हमारे पास अन्न के भंडार है, हम अपने घर पे जो 10-10 क्विंटल गेहूं रखी थी ना खाने के लिए, 5 क्विंटल धान था, हर किसान 1 क्विंटल यहाँ लेके आया, अन्न है, पैसा कहाँ है? इस पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारे देश में समझना पड़ेगा कि देश में 10 लाख का सूट पहनने वाला अपने को भिखारी बताता है। अब समझो, पहले
और हमारे देश का किसान अन्न अगर लेकर के बैठा है धरना देने के लिए तो उस पर सवाल उठाता है, ये सोचना पड़ेगा आपको। और यकीन हमारे देश के किसान और क्यों आएगा, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि चाहे वो नोटबंदी का समय जो वादा हो, चाहे चुनाव के समय 15 लाख का वादा हो, चाहे टैक्स पद्धति के मसले पर हो, चाहे कोरोना के नाम पर तालाबंदी को लेकर जो धोखा मोदी ने दिया है हमारे देश का किसान, और चाहे फसल बीमा का मसला हो, इनकी बातों पर यकीन का मामला नहीं। एक मिनट, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ। आजादी के 66 वर्ष बाद हमारे देश के अंदर एक बड़ा अच्छा कानून बना था, भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वास का, आप समझ लो पहले, उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण का कानून, उसमें कितनी अच्छाइयां थी, सुनो, 5 बड़ी अच्छाइयां। एक, हमारे किसानों की जमीन 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति के बगैर अधिग्रहण नहीं हो सकता था। दूसरी बात, हमारा देश में खाद्यान्न संकट पैदा ना हो उसके लिए बहुफसली खेती और सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सकता था। और तीसरी बड़ी बात, अगर जमीन का अधिग्रहण होने के बाद जो समाज पर दुष्प्रभाव पड़ते उनके पुनर्वास की गारंटी, और जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता उसके निदान की गारंटी। और चौथी बात, हर समय जमीन की कीमत बढ़ती रहती है, अगर 5 साल के अंदर अंदर उस जमीन का उपयोग बदली नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ तो जमीन का अधिग्रहण रद्द। और पांचवी बात, खेती हर मजदूरों को भी 5-5 लाख रुपए का प्रावधान था, और आजादी के 66 वर्ष बाद वो कानून बना। 26 मई, एक मिनट, 26 मई, सुनो सिंह साहब, 26 मई को सरकार बनती है मोदी की पहली, और 29 मई को पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे से सवाल होता है, पत्रकार ने पूछा इस कानून का क्या करोगे, कहा तत्काल क्रियान्वयन करेंगे, और 3 जून को गाड़ी तेज चलती है, ड्राइवर ब्रेक मारता और मंत्री मर जाता है, और दूसरा मंत्री बैठता है नितिन गडकरी, और गडकरी कहता है इस कानून में कई कमी है, यह किसानों की जो सहमति है 70 से 80% की यह हमको मंजूर नहीं है, बहुफसली खेती का अधिग्रहण पर रोक हमको मंजूर नहीं है, 5 साल में जमीन का अधिग्रहण रद्द करने की मांग हमको मंजूर नहीं है, पर्यावरण का नुकसान होता है पुनर्वास की गारंटी हमको मंजूर नहीं है, और खेती हर मजदूर को 5 लाख रुपए देने की गारंटी का प्रावधान हमको मंजूर नहीं है, इसलिए अध्यादेश लाए। तो जिन्होंने पहले ग्रामीण विकास मंत्री की हत्या करवाई और अध्यादेश ला करके उस कानून की भ्रूण हत्या की, 3 बार हम संसद के चौखट पर डटे और 3 बार अध्यादेश वापस किया, पहली बार है, संसदीय समिति भी है और वो कानून भी कायम है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आजादी के 66 वर्ष बाद बने कानून को खत्म कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री की हत्या कराने वाले, और कोरोना काल में जब उद्योग बनते, व्यापार बनते, जहाज बनते, रेल बनते, सरकार लोहे के पीड़े में थी, तब हमारे देश के किसान अन्नदाता देश को बचा रहे थे, उनके लिए 3 कानून काले कानून लाने वाले, और ये नालायक कहते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। अच्छा ये समझाओ भैया, तुमने ताला लगाया तो कोरोना खत्म क्यों नहीं हुआ, तुमने नोटबंदी की तो आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ, और तुमने टैक्स पद्धति बदली की तो देश अमीर क्यों नहीं हुआ, और तुम एक काला कानून लाए हो तो हमारा किसान 4 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे जान और कुर्बानी क्यों दे रहा है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।